खबर आजमगढ़ से, जहां पर गोरखपुर नेशनल हाईवे 33 पर स्थित बगई डाड़ पुल की दुर्दशा जल्द ही सुधरेगी। लगातार हो रही दुर्घटनाओं और जाम की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग और अन्य अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पाया कि पुल की मरम्मत आवश्यक है, हालांकि चौड़ीकरण संभव नहीं है क्योंकि यह मार्ग जल्द ही फोर लेन में तब्दील होने वाला है। मरम्मत कार्य शुरू होने के लिए 2 बार टेंडर जारी किया गया था, लेकिन ठेकेदारों की कमी के कारण काम नहीं हो पाया। अब 1 से 2 सप्ताह में मरम्मत कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बता दें कि पुल पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए होर्डिंग बोर्ड और संकेतक लगाए जाएंगे। NHAI ने अधिकारियों ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा डायल 133 का भी उल्लेख किया, जो दुर्घटनाओं के दौरान तत्काल सहायता प्रदान करेगी और जल्द ही मरम्मत कार्य पूर्ण कर पुल को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। RBI न्यूज से जिला संवाददाता राजेश गुप्ता। अचानक सर्वे नहीं है, इस जब भी हम रोड सेफ्टी की बैठक कराते हैं तो इस पुल की का विषय उठता है कि सकरा होने की वजह से यहाँ जाम लगता है और एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो आज इसीलिए NHAI से भी अधिकारी आए हुए हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि इसका कैसे समाधान किया जाए, कि यहाँ पर दुर्घटना की संभावना को ख़त्म किया जाए और जाम की समस्या को दूर किया सके। तो NHAI के अधिकारियों ने बताया है कि इस रोड के 4 लेन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। तो जब रोड 4 लेन होगी तो उस समय पुलिया की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, लेकिन तब तक के लिए अगर कुछ संभव है तो हम जो NHAI के अधिकारी हैं उनसे प्रस्ताव भेजेंगे कि अस्थायी तौर पर कुछ किया सके ताकि दुर्घटना को रोक सके। बार बार हर 2 महीने क्षतिग्रस्त हो जाता है सर, क्षतिग्रस्त होने के नाते एक्सीडेंट होता है, बाकी ये जनता अभी कहती है बार बार। तो इसका हम इसको लिखेंगे कि अगर कोई अस्थायी व्यवस्था कर सके NHAI तो, ताकि ये समस्या दूर हो सके जब तक ये 4 लेन का काम शुरू हो रहा था। धन्यवाद सर।